जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीवी नेशनल दी लाइव ट्रांसमिशन अज दा मेहमान नाल मैं तुहाडा मेज़बान रियाज खान ते मेरे नाल मौजूद ने ते मैं हां ताडी मेज़बान सोनिया शेख। नाज़रीन, लाहौर सेंटर तो तानू सब नु खुशामदीद जी आया नु इस उम्मीद दे नाल कि तुसी सारे जिथे भी होवोगे खुश होवोगे राजी होवोगे ते अपना बहुत ध्यान रखदे होवोगे। असीं सब नु अपना अपना ध्यान रखना है, इस वास्ते कि जदों असीं अपना ध्यान रखांगे ते यकीनन साडे आल दुआल दी जिंदगी जिहड़ी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कहते हैं वैसे जे तुसी खुश होना है तो अपने आले दुआले वो लोग रखो जिहड़े तुहानू खुशी पहुँचाण। बहुत सारे लोग लभणे ते जरा औखा काम है। एक सौखा जिहा काम जिहड़ा असी कर सकते हैं कि असी किसी दूजे की भाल नू खत्म कर सकते हैं जे असी चंगे हो जाइए, तो ओहो जे चंगे हो जाइए जिहो जिहा बंदा असी लभदे रहिंदे आ ना जी, जिहड़े सानू उलामे रहिंदे ने गिले रहिंदे ने लोकां नाल कि कोई चंगा बंदा नहीं लभिया, तो क्या असी किसी दूजे की भाल नू मुका सकते हैं? जे असी चंगे हो जाइए तो किसी दूजे नू असी खुशी दे सकते हैं, पक्की गल है। तो जदों गल हो रही है खुशियां देन दी, खुशियां वंडन दी, तो क्यों ना अपने मेहमानों के बारे दस के अपने नाजरीन का दिल जड़ा खुशी नाल बाग बाग कर दिता जाए। नाजरीन, अज असी प्रोग्राम के सैगमेंट विच ताड़ी मुलाकात करवावांगे एक दंदा दे माहिर डॉक्टर दे नाल, ते उन्हां कोलों उन्हां दे मशवरे भी लवांगे। इहदे नाल नाल असी ताड़ी मुलाकात करवावांगे एक पेंटर दे नाल, तुहानू मिलवावांगे एक सोहना सुलखना लिखण वाले शायर दे नाल, ते इहदे नाल ताड़ी मुलाकात करवावांगे साडी पिछली फिल्म इंडस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई एक बड़ी ही मारूफ शख्सियत दे नाल। जी सानू सोनिया ने दस्या कि जनाब भाई साढ़े परौने बहुत सुचजे परौने ने, उन्होंने परौणियों के विचों जिहड़ा पहला परौना इस वेले साडे कोल आ चुके है उहदे बारे छोटी जी गल तुहाडे नाल करांगा कि कहिंदे ने कि अल्लाह ताला ने सब लोगों नू बहुत सोहणा बनाया है। कहिंदे ने कि तुसीं मुस्कुराओ तुसीं ज़्यादा खूबसूरत लगदे हो, ते मुस्कुराउण लई जरूरी है कि तुहाडे दंद बहुत सोहणे होण, ते दंदां दा तुहाडा मेरा साथ जिहड़ा है उह बहुत लंबा साथ रहिंदा पूरी जिंदगी। इन्हें दंदा की मुस्कुराहट जी, दंदा की खूबसूरती जी, जिते सानू खाण पीन का स्वाद देती है वह तो जाहिर है साड़ी खूबसूरती में भी इजाफा करती है। साढ़े जे अज के साने मौजूद ने डॉक्टर इमरान ज़िया, उन्होंने नाँ है, बहुत सारे पढ़े लिखे ने, पाकिस्तान भी उन्होंने पढ़िया है, बाहर के मुल्कों में पढ़ के आए हैं, और उन्होंने असं कहने कि जनरल डेंटिस्ट एंड डेंटल इम्पलेंटोलॉजिस्ट मिलने हैं डॉक्टर इमरान ज़िया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम सर, बहुत सारा शुक्रिया सर तुहाडे आने दा। तुहाडे कोल असीं पुछणा है अज के दंद सोहणे किंज हो सकदे ने, असीं अपने दंदां नूं चंगियां किस तरह रख सकदे आ। बिल्कुल सर, पिछले 22 साल तो ही दस रहे हैं सर। जी जरूर सर, पुछांगे। लेकिन उस तो पहले मैं तुहाडा तारुफ करवांदी चलां एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिन्हां ने पाकिस्तान दे विच शायरी दे विच एक अपना नाम पैदा किया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सब नू जड़ा बहुत सोहना पैदा तो किया है जिवें तुहानू दस्सिया रियाज खान साहब ने, तो इंसानी तारीख जिहड़ी है इन्हां चीज़ों नाल भरी पई है जिन्हें विच बहुत कद्दावर शख्सियात ने, जिन्हां विच गालिब ने, इकबाल ने, शेक्सपियर ने, तो जे अज के दौर का मुआवजना किया जाए तो अज के दौर फरहत अब्बास शाह एक ऐसी शख्सियत ने जिन्हों का ताल्लुक जड़ा एक ऐसी शख्सियत नाल किते जा मिलता है। नाज़रीन, फरहत अब्बास शाह जिहड़े ने ऐ साडे बतौर मार्शल आर्ट्स भी ने, तो इस हवाले नाल इन्हां दे हज़ारों स्टूडेंट्स ने, इन्हां नूं जिहड़ा सबजैक्ट पसंद है वह है नफसियात, अंग्रेज़ी ते फलसफा। इस तों इलावा इन्हां दीआं 70 तों वध किताबां शायरी दे विच जिहड़ियां ने उह छप चुकियां ने, उर्दू ते पंजाबी दोवां जबानां दे शायर ने, ते शायरी दे विच कामयाब तजर्बे करन दे बाद नाल नाल ए ब्रॉडकास्टर भी ने ते कंपेयर भी ने। नाज़रीन, मिलने आ फरहत अब्बास शाह नूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, की हाल है सर ताडा? जी शुक्र है अल्लाह दा। सब तो पहला जेड़ा मेरा ताडा कोल सवाल है, तुहाडा एक वारी ठहर रहे ना कोल जरूर सवाल करांगे, लेकिन एक होर साडे इस वेले सेट ते सोहणा जिहा मुंडा मौजूद है, असीं पहले उहदे नाल तारुफ कर लईए फिर इंशाअल्लाह शाह होरां नाल जरूर गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने मुहम्मद ज़ाहिद, पेंटर ने, इन्हों का बुनियादी तलक कुंजा नाल है, और वाटर कलर के माहिर ने, पाकिस्तान के सकाफती वरसे नाल इन्हों बहुत सारा प्यार है, और तुर्की और पाकिस्तान चु सीख के इस वेले साढ़े बहुत सारे नवे बच्चों को सिखा रहे हैं और अपने फन को पूरी दुनिया च पहुँचा रहे हैं। बहुत सारा शुक्रिया मुहम्मद ज़ाहिद तुहाडे आउण दा। बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। मैंने इस तो पहला कि असीं इधर परौणे वाल जाइए, तुसीं अपना काम चूंकि शुरू करना है, तो मैं चाहवांगा कि साडा कैमरा तो तुहानू दिखा रहा है, तुसीं मैनूं दस्सो कि की पेंट करन लगे हो अज तुसीं? मैं अज क्योंकि पिंड दा माहौल है सारा, तो मैं चाह रहा कि अपना पिंड जिहड़ा ना उहनूं पेंट करां। अपना पिंड दिखाओगे? क्योंकि मेरा पिंड कुंजा है, उहदा सराउंडिंग सारा कच्चा है। ठीक है। ते कच्चे घर, उस तो बाद उहनां दे खेत, दरख्त, जो एक इनवाय बंदा है उहदा माहौल पूरा मैं वो पेंट करना चाह रहे। तुसी बिल्कुल पेंट करो जनाब, और पिंड सारे साडे इको सांझे हुंदे ने और सारे इको जे हुंदे ने। मैनूं यकीन है कि जिहड़े साडे वेखण वाले ने उहनां नूं अपना अपना पिंड याद आएगा जदों साडी ट्रांसमिशन दे इख्तिताम ते तुसी इस पेंटिंग नूं मुकम्मल कर लो। बिल्कुल, तुसी अपने काम शुरू करो, साडे इधर परौणे ने, असीं इहनां नाल गलबात करने आ, विच विच तुहाडे वल आंदे रहांगे, तुहाडे नाल आ के गलबात करदे रहांगे, वेखदे रहांगे कि तुसी उह पिंड जिहड़ा साडे सुलखणे पिंड ने उह बनाउण च किस हद तक कामयाब हुंदे। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। तुहाडा वी बहुत शुक्रिया जी बुलाउण दा। जी सोनिया, तुसी कोई गल कर रहे सर? हाँ जी
सर मेरा तुहाडे कोल जिहड़ा सवाल होया वे कि अज दे दौर च किसी एक शोबे विच कामयाब होना भी बड़ी गल है। तुसीं माशाल्लाह इन्ने शोबियां दे विच काम भी कीता, फिर काम अरूज भी पाया, इहदी की वजह, किहड़ी इंस्पिरेशन सी? बुनियादी वजह तो यह सी कि मैं वक्त ज़ाया नहीं किया। सही। और दूसरा यह है कि बहुत सारिया चीज़ा ते जिन्हें इंसान अजकल सानू मजबूर कर दिता जाता है फोकस करन ते, मेरा फोकस उन्होंने चीज़ों ते कमज़ोर रहा है। मिसाल दे तौर ते नौकरी हासिल करनी है, कोई बड़े पैसे इकट्ठे करने, या कोई ओहदा कोई बड़ा, या कोई यानी कि वजारत लेनी है, इस तरह के जिहड़े बंगले बनाने ने, कोठियां बनानी, इन चीज़ों के उत्ते मेरा फोकस कोई एवं जिस तरह के शायरों का होंगे, या क्योंकि मैं सूफिया के मनण वाला, तो इधर मेरा ध्यान नहीं रहा। तो बाकी जिहड़ा तज़किया नफ्स है और जो तख्लीकी काबिलियत थोड़ा बहुत पॉलिश करना, इल्म दे हसूल दी ख्वाहिश, वो मेरा इस पासे ध्यान चूंकि ज़्यादा रहा। और ये अल्लाह का करम है, मैं समझना कि अल्लाह साबित कदम रखे, क्योंकि जाहिर है कि इल्म दा हसूल या किसी नज़रिए दे नाल वाबस्ता हो के जिंदगी गुजारनी और दिल च ख्वाहिश होनी कि कोई अच्छा काम हो जाए, कोई अच्छा कोई कुछ डिलीवर हो जाए, ये मुश्किल भी घेर के लै आती है जी सोच जी। लेकिन ये रब का करम है कि मैं किधरे न किधरे पिछले यानी जदों तो मैं समझो कि बचपन तो मैं मार्शल आर्ट आया, शायरी वाल आया, फिर म्यूसीकी वाल भी आया, फिर ब्रॉडकास्टिंग, यानी मैं वो काम किए ने जो मैं अंदरों पसंद सन, तो वह मैं भार भी नहीं लग्या, कोई बोझ भी नहीं पिया, मैं कोई तकलीफ भी नहीं हुई वो मुश्किल, और मैं यानी मेरे वेखण वाले मैं कहते सन कि बड़ा मेहनती है, तो मैंने लगता अजय मैं कुछ कर नहीं पा रहा। शाह जी बड़ा अलग का करम होंगे ना थोड़े से कि तुम जो थोड़ा अंदर का शौक है वो ही थोड़ा अगर प्रोफेशन बन जाए तो यह मतलब है मालिक का कोई खास करम हो गया थोड़े से, और तुम अपने सारे शौक पूरे किए और बड़े चंगे पूरे किए हैं। उन्होंने सारे शौकों के हवाले थोड़े जरूर गल करा, लेकिन साढ़े को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब तुम जाहिर है दंदा खूबसूरत करते हो, दंदा दीमारियों साढ़े लोगों तक पहुँचाते हो, उन्होंने बारे में सानू सलाह देंगे हो चंगिया रखने दे अपने दंदा सादा जी गल तुहाडे कोल पुछना चाहवांगा कि वह किहड़ियां आदतां ने सारे लोगों अपने अपने दंद चंगे लगते हैं, चंगा लगता है सोहने दंदा वेखना, लेकिन वह किहड़ियां आदतां ने जिहड़ियां साडे दंद खराब कर दिंदियां ने? बिल्कुल, रूटीन च जिहड़ी साडी रोज़मर्रा जिंदगी है सानू पता ही नहीं हुंदा कुछ गल्लां जिहड़ियां असीं कर रहे हैं वो साडे दंदां वास्ते और साडे मसूड़ियां वास्ते और साडे जिस्म वास्ते नुकसानदेह ने। ठीक है, मिसाल दे तौर ते नेल बाइटिंग, नाखून चबाना, कुछ बच्चे ने जिहड़े होमवर्क कर रहे हैं या कुछ सोच रहे और नेल चबा रहे हैं, ठीक उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नफसियाती मसला है, लेकिन ये होंदा की है भी नाखुना के जरासीम है ने वो मुंह मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा। अगे जिसम मेदे च भी चले गए ने, ठीक हो गया, एक तो जिसम बीमार हो गया, दूसरा जेडे चूंकि दंद अल्लाह तआला ने खाने वास्ते बनाए ने, सख्त चीज़ा यह चबाने वास्ते नहीं, वो फिर दंदा के अंदर क्रैक या दराड़ा पैदा रहें, आहिस्ता आहिस्ता दंद चिप ऑफ होना शुरू होते हैं, भुनना शुरू हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरा पान छालिया खाना, मतलब वो भी समझो भी पत्थर चबान के बराबर है, वो दे नाल भी तुहाडे मुँह के मसल्स भी खराब हो जाते हैं, दंद भी घस जाते हैं, घिस जाते हैं, और इफेक्टिव होंगी जले दंद जबड़े की हड्डी भी। तीसरा भी कुछ लोग ने गलबात करते दंद पीसते रहते हैं, टीचर्स ने पढ़ाने लगे गुस्सा आता है, बोलते नहीं, या शादीशुदा बंदे जिस तरह ने कह नहीं सकते लेकिन वो दंद घसाते रहते हैं, या रात में सोते हुए नींद के दौरान दंद पीसना, ये भी एक आदत, ये भी दंद खराब होंगे ने। इस तरह कुछ लोगों आदत है बी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, इन्होंने सारे कार्बोनिक एसिड है, तेजाबीयत होंगी इन्हों का, ये दंदा के मिनरल्स कमज़ोर करते हैं और अल्टीमेटली दंद भुरना शुरू हो जाते हैं। ये चंद आदत ने जिन्हें कि सूँ पता भी नहीं लगता लेकिन वो साढ़े लिए नुकसानदेह ने। बड़ी जबरदस्त तुम गल की है। अच्छा अच्छा जी, हीर वारिस शाह बारे कहा जाता है कि वो साढ़े इस पंजाब की रहतल में पूरी दुनिया च पहुँचाने वास्ते एक बड़ा खूबसूरत कलाम से जिहड़ा पीर वारिस शाह ने लिखा, और पीर वारिस शाह नू पंजाब का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साडिया बोलियां, साडे खाने, साडे बर्तन, साडा सुणप, सब कुछ जिहड़ा पूरी दुनिया तक अपनाया। हीर वारिस शाह की कहानी के बारे में मैं नहीं गल करांगा कि वह सच्ची है, असली है, गलत है, वो तो जाहिर है वो बारे सोचने वाले का काम है, लेकिन एज अ पोइटिक स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी आई मस्ट से वो बड़ी बाकमाल चीज़ है। ये दसो भी हीर वारिस शाह के होंदया हीर एक होर लिखी गई है जिहदा नाम हीर फरद शाह, उहदी की लोड़ पै गई वैसे? पहली गल तो है कि मैं मेरे सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ने सूफिया कराम, ठीक है, और मैं समझना कि
दुनिया दे विच अगर साढ़े कोल दुनिया दे जो टॉप क्लास के शायर ने या शायरी है आला तरीन लिटरेचर है जो दुनिया का इंसानी तारीख साढ़े कोल अगर कोई सरमाया उसके बराबर रखने वास्ते है रखन जोगा है तो वह सूफिया कराम का कलाम है। और मैं इस हीर वारिस शाह जाहिर है कि सारे मेरा तो ख्याल है कि हर जो तालिब इल्म है उर्दू पंजाबी उन्हें जरूर पढ़ी होंगी मेरी इंस्पायरेशन सी। बाकी भी कलाम मेरे किधरे ना किधरे रंग नज़र आंदा सूफिया कराम दा ठीक है लेकिन ये यानी खास तौर पर ये रिदम ने मैनू बहुत ही यानी हमेशा अपनी गिरफ्त च लिया। और मैं जिहड़ा हीर फरद शाह जिहड़ा शुरू हुई उस वेले मेरी कोई प्लैनिंग मनसूबा नहीं सी लेकिन अच्छा। शुरू हो गया तो वह शुरू होता ही चला गया। और फर्क यह है कि मैं अज की जिहड़ी इस वक्त की बैनुल अक्वामी इंसानी सूरत हाल है सियासी सूरत हाल है मुआशी सूरत हाल है और उस सूरत हाल तो जिहड़ा इंसानों के उत्ते इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है और जो तकलीफां पैदा हो रही ने जो मसाइब आ रहे हैं या जो नज़रियात या अकायद दे विच इबहाम की बुनियाद के उत्ते इंसान को इख्तलाफात ते मजबूर किया जा रहा है उस सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने मैं अज के परसपैक्टिव विच उहदे च लिखियां ने ते जिहदे तो मैनू कुछ बल्कि मेरे नाकदीन ने भी किया और कुछ लोगों का भी कहना है कि यह अज की हीर है ठीक है। और उहदे विच मोस्टली मौजूआत जिहड़े ने वो डायरेक्ट एक बिल्कुल बराह रास्त सतह के उत्ते शाह साहब तो मुख्तलिफ ने वारिस शाह साहब तो और कहानी एदे विच उस तरह नहीं है और इस तरह एदे विच जो हीर और रांझे दा और कैदो दा किरदार है वो भी जरा मुख्तलिफ ने ठीक है। यानी तुसीं अज दे दौर दे हवाले नाल गल कीती है और कोशिश कीती है कि अज दे जिहड़े मसाइल ने उन्हां नूं अपनी हीर दे विच लियाओ जी। डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों ये दसो कि दंदा का जिक्र होया तो वह जी हीर वारिस शाह सी ना जी वह तो दंद चंबे दियां कलियां ने ना तो तुसी दसो कि असी जे अपने दंदा नूं चंबे दियां कलियां बनाउणा चाहुंदे आ तो वह कि आदत है कोई एक अद्धी गल सानूं दसो साडे नाज़रीन और सामीन नूं कि जिहनूं असी अपनाईए तो साडे दंद ज़्यादा देर तक चल सकन तुहाडे कोल घट घट सानूं आउणा पवे तां दसो। मैं गल तो शुरू करांगा भी साल च दो दफा साडे कोल आया करो अच्छा ताकि किसी गड़बड़ होने तो पहले असी तुहाडे चंबेली दे कलियां नूं शक्ल दे सकीए दंदा नूं ते बस आता है ना भी हेल्दी डाइट खाओ स्वीट चीज़ा जड़िया मिठिया चीज़ा जो दंदा ते चिपकियां रह जांदियां ने उन्हां तो परहेज़ करो ठीक है। पान शालिया तो गुरेज करो जे बहुता ही जोर दी खाना है पै रहा है तो खाने तो बाद कुल्ली जरूर कर लो और रात नूं सौण तो पहले ब्रश जरूर करो। रात नूं सौण तो पहले ब्रश करना जरूरी है साडे आम तौर ते रिवाज है सवेरे उठ के ब्रश करन वाला ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋ ਨਾ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਦੀ ਲੌਜੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਸੋ ਗਏ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੀ ਗਈ ਮੇਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇ ਤਰਕੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਵਾਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸਬਤਨ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੁਕ ਝੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਤਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ
अगर शायद मैं किसी देही इलाके च होंदा ते हो सकता है मैं पंजाबी ज़्यादा लिखता या उदे तो मेरी इब्तदा होनी ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा शहर दे नाल तअल्लुक सी जंग च मैं हालांकि वसेब दा वी नाल ही नानके दादके ते बैठे ने बाहर आन जान भी रहा पिंडा थावां च लेकिन वो चूंकि शहर दे विच ज़्यादातर जिहड़ी मैनू कंपनी मिली बचपन तो वह उर्दू शायरी दा सी वो ट्रेंड बन गया उस तो बाद उर्दू ज़्यादा पढ़ी भी मैं और लिखी भी ज़्यादा वो ख्यालात दा जिहड़ा तरसील दा है सी ना जी सिस्टम वो उर्दू विच मेरा डिवेलप हो गया और पंजाबी चूंकि पढ़नी और लिखनी दोनों मुश्किल सी क्योंकि वो जाहिर है कि स्कूलिंग तो बगैर बोलते असी शायद आज भी मैं पंजाबी अपनी जिहड़ी है वो अपने उर्दू या किसी भी जबान तो ज़्यादा अच्छी बोल सकना मेरी माँ बोली है और साड़ी जंग की जबान जिहड़ी खालिस भी बड़ी है और अज भी जंग जंगली जबान भी किया जाता है लहिंदे की बोली लेकिन वो चूंकि पढ़न और लिखण दे मौके ना मुयसर होने की वजह तो मेरा जिहड़ा शेरी कॉन्टेंट सी वो एदे विच घट होया ते उर्दू ही ज्यादा है लेकिन अगर थोड़ी अगे मैं गया ना जी ते मैनू एहसास होया कि मैनू अपनी माँ बोली का हक अदा करना चाहिए। तुसीं जदों सोचदे हो ते क्या पंजाबी च सोचदे हो फिर उन्हें उर्दू च कन्वर्ट करदे हो या उर्दू च सोच के उन्हें पंजाबी च लिखदे हो? मेरे ख्याल है दुनिया का कोई भी आदमी जेड़ा सोचता है ना जी वो अपनी माँ बोली है। बिल्कुल ठीक है, मैं एक तुहाडे कोल सुनना चाह रहा सा और इसलिए सुनना चाह रहा सा कि तुसीं अपनी माँ बोली चो कोई एक चंगी जी चीज़ जी जी तुहाडे अपने दिल के ज्यादा करीब है सानू सुनाओ। पंजाबी चूंकि बड़ा मुंतखब जिहा लिखिया है बहुत सारी चीज़ा ने लेकिन उन्होंने मैं एक तुहानू वादियां वादियां रुक जाना है वादियां वादियां रुक जाना है हंजुआ आखिर सुख जाना है वादियां वादियां लबदा फिरेगा यार असानू लबदा फिरेगा यार असानू यार असान जद लुक जाना है यार असां जद लुक जाना है हंजुआं आखिर सुक जाना है बुक विच आई रेत है जिंदड़ी बुक विच आई रेत है जिंदड़ी मुक दियां मुक जाना है मुक दियां मुक जाना है आखिर सुख जाना है वादियां वादियां रुक जाना है। बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। ये होता ना जनाब सीख के आने का क्योंकि तुम मैं पता क्लासिकल सीखे है बकायदा सीखे है ना तो अच्छा तुहाडे कोल जरूर कुछ होर सुणांगे डॉक्टर साहब तुहाडे नाल भी हाली असीं होर गपशप लाउणी है अपने दंदा नूं सोहणे बनाउण वास्ते लेकिन असीं जाणा एक छोटे जिहे ब्रेक ते तुसीं साडा साथ देणा जनाब असीं इस वेले मौजूद हाँ लॉर्ड सेंटर ते और तुसीं इस वेले साडे नाल गपशप ला रहे हो असीं अपने पुराणे नाल गपशप ला रहे हां बहुत छोटा जिहा वक्फा है तुहानूं हुणे मिलणे हां।